कि सच में सुरभि चांदना ने अपनी शादी के लिए मांगे फ्री में कपड़े। डिजाइनर के खुलासे से हर तरफ मच गया बवाल। वीडियो शेयर कर खोल दी पूरी पोल पट्टी। जिया नागिन और इश्कबाज सीरियल में नजर आ चुकी एक्ट्रेस सुरभि चांदना इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। जहाँ एक तरफ सुरभि शादी की तैयारियों में बिजी है, तो वही फैंस को उन्होंने अपने प्री वेडिंग फोटोशूट की झलकियाँ भी दिखाई है, जिसे उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुरभि शादी के कपड़े मांगने को लेकर आ चुकी हैं सुर्खियों में। दरअसल सुरभि की शादी की खबरों के बीच आयुष केजरीवाल नाम के एक डिजाइनर ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि सुरभि चांदना के स्टाइलिश के जरिए उनसे फ्री में कपड़े मांगे गए हैं। इस डिजाइनर ने स्क्रीनशॉट में दिखाया है कि सुरभि की टीम की तरफ से उनसे एक एक फंक्शन, जिसमें मेहंदी, हल्दी, एंगेजमेंट, वेडिंग और रिसेप्शन तक के लिए स्टाइलिश कपड़ों की फ्री में डिमांड की गई है। वीडियो में चैट स्क्रीनशॉट के जरिए दावा किया गया कि एक्ट्रेस की स्टाइलिश ने शादी के फंक्शन के लिए उनसे कपड़े इसलिए मांगे क्योंकि सुरभि एक बड़ी सेलिब्रिटी है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, नहीं, आप एक सेलिब्रिटी है, मैं सिर्फ इसलिए आपको आपकी शादी में मुफ्त में कपड़े नहीं दूंगा। हालांकि डिजाइनर की बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक्ट्रेस की टीम की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि सुरभि चांदना अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रही हैं। हाल ही में सुरभि ने खुद इस बात का खुलासा किया कि वो और करण 1 और 2 मार्च को शादी करेंगे। शादी राजस्थान के जयपुर में होगी और करीबी दोस्तों और परिवार वालों के बीच ही होगी। हालांकि अब देखना तो ये है कि सुरभि पर लगे कपड़े मांगने के इस इल्जाम पर उनकी तरफ से कब तक और क्या रिएक्शन सामने आता है।